जिनको हरिद्वार से अपने कंधे पे लेके आए हैं भाई। एक हमारे कावड़ी बैठ चुके हैं खाने के लिए, देखो चालू भी हो गया है। श्री राधे श्याम त्यागी जी अंकल जी हमारे, उनके यहाँ गए हुए थे तो बहुत अच्छी व्यवस्था जिसे कहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और हर हर महादेव। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे एक सीवर लगा हुआ है। मैं हूँ स्टेमिंदापुरम की नहर पे, जो वैशाली वाली पुलिया है ये लगा हुआ है मगनपुर का अपना, उसको लिखा हुआ है शिव कावड़ सेवा संघ मगनपुर इंदापुरम वैशाली। आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत करती है। तो ये सीवर लगा हुआ है जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो, ये पुलिया है। ये पुलिया इस टाइम बंद कर देते हैं, सिर्फ कावड़िया के लिए चालू रहती है जितने भी हमारे निकलने वाले होते हैं। और अभी धीरे धीरे सब चालू हो गए हैं, दो तीन दिन के अंदर यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, इतने आपको हमारे कावड़िया भाई आपको दिख जाएंगे। जैसे कि देखने में व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके की व्यवस्था सबके लिए बनाई हुई है। पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो, खाना हो, 24 घंटे उपलब्ध रहेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूँ हमारे पार्षद जी हैं जो इस सेवा में आपको हमेशा दिखेंगे। एक मिनट रुकना दोस्तों, खांसी आ गई थी। तो हमारे पार्षद जी हैं जो आदरणीय पार्षद जी राधे श्याम त्यागी जी और हमारे भैया वगैरह, मैं सबको एक बार आपको दिखा देता हूँ। सब बैठे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी सब हैं। मैं आपको थोड़ी सी रूबरू कराता हूँ और थोड़ा कैंप भी दिखा देता हूँ कैसे लगा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं भोले बाबा से। पहले दिखाता हूँ भोले बाबा की फ़ोटो और उसके बाद दिखाऊँगा पूरा शिवर आपको। ये हमारे भोले बाबा की फ़ोटो। अभी आरती हुई है और आरती के टाइम पे हम पहुंच भी गए थे और आरती में हमने भाई पूजा भी कर ली और यहाँ सब बैठ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सारे बैठे हुए हैं मेरे। और अब मैं दिखाता हूँ ऐसे भोले बाबा जिनको हरिद्वार से अपने कंधे पे लेके आए हैं भाई एक हमारे कांवड़िया भाई। ये रहे हमारे भोले बाबा, देखो भाई। अभी धूप बत्ती जलाई है किसी ने, बहुत बढ़िया। यहाँ दवाई की व्यवस्था भी आप देख सकते हो और यहाँ जल भी रखा हुआ है हमारे कांवड़ियों को। और ये कुछ भाई आप देख भी सकते हो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये कांवड़ मुझे बहुत अच्छी लगी। खाने की तरफ तो देख सकते हो दोस्तों, खाने की व्यवस्था रोटी सेकी जा रही है। ये देखो दोस्तों तवे की रोटी और पूड़ियाँ भी हैं दोस्तों, पूड़ियाँ भी बननी हैं। सब्जी बन चुकी हैं, दो सब्जी हैं, लड्डू हैं यहाँ से लेके वहाँ तक का, ये पूरा है। मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगा, फिलहाल मैंने भोले बाबा से आता है, मैंने कहा ये भी दिखा दूँ आपको। बाकी बाहर अंकल जी की फ़ोटो लगी हमारे पार्षद जी की, वो भी दिखाऊँगा आपको। तो चलते हैं इस साइड में, आप देख सकते हो ये लगा हुआ पानी इतना मंगा दिया गया है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आने वाले 2 से 3-4 दिन जो होने वाले हैं वो ये रोड पूरा भरने वाला है। जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊँगा, एम्बुलेंस भी आगे खड़ी है सेवा के लिए। और शिवर हमारा यहाँ तक है, वहाँ पे कावड़े को झूला झुलाने के लिए जो कावड़ लाते हैं वो स्टैंड लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे रखी हुई है कावड़ येरी। और मच्छर वाली मशीन भी लगी हुई है येरी, डेंगू वाली, ये भी चालू हो गई है। तो व्यवस्था की कोई भी कमी नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा कर रखा है। और आने वाले दिनों में जो सेवा करने का मौका मिलेगा उसमें और ही आनंद आने वाला है। तो देखो आगे बीच में भी हम आते रहेंगे। फिलहाल अभी शाम के टाइम में आया था अध्यक्ष जी के साथ, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो आना ही था, तो मैंने कहा भैया जैसे निकलोगे तो आप मुझे बता देना। बाकी अभी मच्छर की गाड़ी चलेगी भैया, इस रोड पर वैसे लाइट चालू हो गई है, सारे में सारी लाइट चालू है दोस्तों। मुझे भी कब जाना है ये मैं भी देखूंगा, क्योंकि मेरे को जाना है कावड़ लेने के लिए, तो 2-3 तारीख में लिख लूँगा, सॉरी 1 तारीख में लिख लूँगा। अभी मच्छर की आवाज़ आ रही है गाड़ी की, बाद में बनाता हूँ वीडियो। मतलब हर व्यवस्था है यहाँ पे कावड़ियों के लिए, पूरी सेवा है। कूलर में पानी डाला जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 कूलर लगे हुए हैं, ठंडे कूलर। मुझे लग रहा है नहर के भी मच्छर मर जाएंगे। और कावड़ी बैठ चुके हैं खाने के लिए, देखो चालू भी हो गया है। अध्यक्ष जी ने ही चालू करवा दिया सबसे पहले। जो भी वायरस आया था
तो मैं दोस्तों जा रहा हूँ घर, कावड़ सेवा से निकल गया हूँ भाई। भैया जी ने मुझे छोड़ दिया, भैया के यहाँ तक गाड़ी लेके गया था, क्योंकि आज मेरी बाइक थोड़ी सी दिक्कत कर गई दोस्तों। आज मेरी बाइक का ना क्या कहते हैं इंजन ऑयल वाली लाइट जल गई, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं जब वहाँ ले गया था क्या कहते हैं बद्रीनाथ, तब मैं सर्विस करा के गया था और इतनी जल्दी कैसे चल गई। जबकि चली होगी तो मेरे हिसाब से गाड़ी हद से हद बाइक मेरी 1500 किलोमीटर चल गई होगी, लेकिन 1500 किलोमीटर में लाइट जल जाना ये समझ में नहीं आ रहा भाई। फिर मैंने रिक्शा नहीं लिया, मैं कहा भाई बाइक से मैं कहीं नहीं जा रहा अभी फिलहाल, और सुबह उसको चेक करूँगा और केशव लेके गया हुआ था स्कूटी, तब मैंने कहा चलो भाई तो अपना गाड़ी लेके चल रहे हैं जरा, और क्योंकि जाना भी सिपरारी मेरे तक था, तो चल रहे भाई घर, और घर चल के करेंगे नहीं घर चल के क्या गाड़ी में ब्लॉग एंड कर देंगे दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कांवड़ सेवा स्टेम चली रही है भैया दोस्तों, हर जगह कैंप लगे हुए हैं। तो आज हम अपने आदरणीय पार्षद श्री राधेश्याम त्यागी जी, अंकल जी हमारे, उनके यहाँ गए हुए थे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था जिसे कहते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है वहाँ पे कांवड़ियों के लिए। और सबसे अच्छा मुझे लगा छोटे से भोले बाबा जो भाई वो कांवड़िए जी जो अपने कंधे पे लेके आ रहे हैं, आज सुना था वो कैंप में सुबह, आज बड़े भी कोई लेके आया था कंधे पे, तो उसकी खैर मैंने एक वीडियो देखी थी, तो मैंने कहा चलो भाई दर्शन भी होने को मिल गए मेरे को, तो मैं चल रहा हूँ भाई घर। अगर ये छोटा सा ब्लॉग जो मैंने बनाया, वैसे तो मैं जाता रहूँगा दोस्तों कांवड़ में, तो अगर ये छोटा सा ब्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में लिखना हर हर महादेव। एक बात और दोस्तों, सॉरी एक बात और कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि आज 26 तारीख हो गई है, 29 तारीख को मैं 29 तारीख को क्या कहते हैं मोहन नगर की साइड जाऊंगा, और वहां जाके मैं आपको डाक कावड़ दिखाने वाला हूं ब्लॉग के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो वो मेरा डन रहेगा, वेट कीजिएगा उस ब्लॉग का, मैं काफ़ी टाइम मेरा वहां पे जाने वाला है, कम से कम 5 से 6 घंटे मेरे वहां जाएंगे ब्लॉग बनाने, क्योंकि कब कावड़ कौन सी डाक कावड़ कब आने वाली है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी डाक कावड़ आएगी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।